हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकीबीज। दोस्तों, मैं 2024 के बेस्ट टीवीज पे एक सीरीज कर रही हूँ और पहली दूसरी सीरीज में मैंने 43 इंचेस 4K टीवीज को कवर किया था। इस सीरीज में मैं आपको बजट कैटेगरी के 55 और 65 इंचेस टीवीज का काउंटडाउन दूंगी, साथ ही साथ उनको हर इस फेयर में रेटिंग्स भी दूंगी, तो रेटिंग्स देखना मिस मत करिएगा। मैंने यहाँ वही टीवीज इंक्लूड किए हैं जिनका HDR और डॉल्बी विजन डार्क सीन परफॉर्मेंस भी अच्छा है। अब ऐसा तो नहीं होता है कि डार्क सीन्स देखने के लिए आप दूसरा टीवी खरीदेंगे और टीवी पे खाली ब्राइट सीन्स तो आते नहीं है, और जब डार्क सीन्स में डिटेल्स ही नहीं दिखे तो मेरे हिसाब से ऐसे टीवी को खरीदने का कोई फायदा नहीं है। अगली टीवी वीडियो में मैं हायर ब्रांड्स के लो कॉस्ट टीवीज का काउंटडाउन दूंगी और फिर उसी में बजट और हायर ब्रांड्स के टीवीज का एक मिक्स काउंटडाउन भी दे दूंगी, ताकि आपको पता चल सके कि बजट और हायर ब्रांड की कैटेगरी को मिलाकर कौन सा टीवी कहां स्टैंड करता है। ये वीडियो 55 और 65 इंच टीवीज का एक मिक्स्ड काउंटडाउन है जो दोनों साइज के टीवीज के लिए स्टैंड करेगा। इन सब टीवीज की परचेज लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप उसके थ्रू अपनी परचेजिंग करेंगे तो हमें और प्रोडक्ट्स खरीदकर अनबायस्ड रिव्यू देने में मदद मिलेगी। तो अब ये काउंटडाउन शुरू करते हैं। टॉप पे है व्यू मास्टरपीस क्यूलेट टीवी, जो अपनी हाई ब्राइटनेस और बढ़िया पिक्चर क्वालिटी के चलते कई बार से टॉप पे बना हुआ है। जो फीचर्स और ब्राइटनेस आपको इस टीवी में इस रेट पे मिल जाती है वो हाई ब्रांड के कॉस्टली टीवीज में ही देखने को मिलती है। टीवी में लेटेस्ट फीचर्स के साथ 120 हर्ट्ज नेटिव रिफ्रेश रेट, MEMC, डॉल्बी विजन IQ, डॉल्बी एटमस अबव 700 निट्स ब्राइटनेस, HDMI 2.1 और फुल अरे लोकल डिमिंग दी गई है। इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, हालांकि कलर्स मुझे उतने विविड नहीं लगते हैं जितना किसी क्यूलेट टीवी में होने चाहिए। इस टीवी के कलर्स मोर ऑर लेस नेचुरल लगते हैं। गेमिंग के लिए भी ये टीवी फुली अप्रोप्रिएट है। ये है इस व्यू मास्टरपीस टीवी की रेटिंग्स जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। सेकंड रैंक पे है हाइसेंस U7K क्यूलेट टीवी। ये हाइसेंस का इस समय का बेस्ट टीवी है। इसमें अच्छी ब्राइटनेस के साथ आपको बहुत अच्छी पिक्चर क्वालिटी मिल जाती है। ये टीवी फुल अरे लोकल डिमिंग, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, डॉल्बी विजन IQ, डॉल्बी एटमस, MEMC, HDMI, EARC, AMD FreeSync, ALLM और VRR के साथ आता है। ये एक बहुत बढ़िया टीवी है जो हायर ब्रांड्स के एंट्री लेवल टीवीज को डार्क सीन्स में पीछे छोड़ देता है। इसकी ऑडियो भी काफी अच्छी है। व्यू मास्टरपीस की ही तरह आप इस पे हार्डकोर गेमिंग भी कर सकते हैं। इसमें AI गेम मोड भी दिया गया है। इसमें IMAX इनहांस मोड के साथ साथ फिल्म मेकर मोड भी है। ये है इस हाइसेंस U7K टीवी की रेटिंग्स। तो थर्ड रैंक पे आते हैं तोशीबा 550MP और तोशीबा 650MP क्यूलेट टीवीज। इन टीवीज की ब्राइटनेस और ऑडियो दोनों अच्छी हैं। जब 650MP मॉडल रिलीज हुआ था तब इसमें कहीं कहीं पे कुछ अनयूजुअल सा एरर देखने को मिला था, लेकिन बाद में मेरे रिव्यू के बाद दूसरे बैच में कंपनी ने उसे बहुत हद तक रिमूव कर दिया था। इन दोनों टीवीज की पिक्चर क्वालिटी ऑलमोस्ट सिमिलर है। आपको इन दोनों में से जो भी कम प्राइस पे मिल जाए और जिस पे ज्यादा वारंटी मिल रही हो आप उसे ले सकते हैं। इन दोनों टीवीज की पिक्चर क्वालिटी और ऑडियो अच्छी हैं। साथ ही साथ इनमें वो सारे लेटेस्ट स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं जो नंबर 1 और नंबर 2 के टीवीज में हैं। ये भी फुल अरे लोकल डिमिंग वाले टीवीज हैं, बस इनकी ब्राइटनेस फर्स्ट और सेकेंड रैंक के टीवीज से कम है। इस समय हाइसेंस कंपनी तोशीबा M550MP पे 4 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी दे रहा है और उसके प्राइस भी तोशीबा M650MP से कम है, इसलिए वो एक बेटर डील बनता है। तो इस समय अपनी स्क्रीन पे आप इस तोशीबा M550MP टीवी की रेटिंग्स देख रहे हैं। फोर्थ रैंक पे व्यू ग्लोलेट टीवी है जो बहुत बढ़िया वाइब्रेंट पिक्चर क्वालिटी और पावरफुल साउंड के साथ आता है। टेक्निकली इसे हम क्यूलेट नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसके कलर्स क्यूलेट की ही तरह वाइब्रेंट है क्योंकि कंपनी ने इसमें दूसरी कोई टेक्नोलॉजी डाली है जिसे वो क्यूलेट से बेटर बताती है। कम प्राइस में मिलने वाला ये टीवी HDR और डॉल्बी विजन वीडियोस में ब्राइटनेस मेंटेन करते हुए बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे देता है। इस 60Hz टीवी में सारे हाई एंड स्पेसिफिकेशंस मिल जाते हैं जो इस टीवी को एक ल्यूक्रेटिव डील बनाते हैं। आप इस टीवी पे नेटफ्लिक्स के
4K Dolby Vision और HDR 10 कंटेंट्स को भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। इस टीवी की ऑडियो भी काफी अच्छी है, बिना साउंड बार के भी आप इसकी साउंड को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। बस ये टीवी वाइड सीटिंग अरेंजमेंट्स के लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि इसका व्यूइंग एंगल ज्यादा अच्छा नहीं है। अगर आप डायरेक्टली सामने से देखेंगे तो ये टीवी आपके लिए बजट कैटेगरी का रीजनेबली प्राइस बेस्ट ऑप्शन है। तो ये है इस व्यू ग्लोलेट टीवी की रेटिंग्स। फिफ्थ रैंक पे ऐसे तो होना चाहिए था हाइसेंस E7K Pro टीवी को, लेकिन ये टीवी परमानेंटली आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है। कंपनी ने शायद इस मॉडल को डिसकंटिन्यू कर दिया है क्योंकि उसकी जगह उन्होंने हाइसेंस E7K को मार्केट में उतारा है, जो हाइसेंस E7K Pro का बहुत ही डाउनग्रेडेड वर्जन है, जिसमें 120 हर्ट्ज रेफ्रेश रेट की जगह 60 हर्ट्ज रेफ्रेश रेट दिया गया है और 49 वॉट साउंड की जगह 24 वॉट दिया गया है। पिक्चर और साउंड दोनों में डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। अगर हाइसेंस E7K Pro कभी सेल पे अवेलेबल हो तो उसे तुरंत ले लीजिएगा, उसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो हाइसेंस E7K Pro की एब्सेंस में फिफ्थ रैंक पे है हाइसेंस U6K QLED टीवी। इस टीवी की पिक्चर और ऑडियो क्वालिटी दोनों अच्छी है। टीवी में सारे हाई एंड स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं जो इस टीवी को एक ल्यूक्रेटिव डील बनाते हैं। आप इस टीवी को निश्चिंत होकर ले सकते हैं। ये है इस हाइसेंस U6K टीवी की रेटिंग्स। सिक्स्थ रैंक पे आते हैं ब्लोपंथ और थॉमसन क्यूलेट टीवीज, जिनकी पिक्चर क्वालिटी बहुत बढ़िया है। इन टीवीज की ब्राइटनेस काफी अच्छी है, जिससे डार्क डॉल्बी विजन और HDR सीन्स भी इन दोनों टीवीज पे अच्छे लगते हैं। दोनों एक ही कंपनी के टीवीज हैं जो सिमिलर स्पेसिफिकेशंस के साथ बनाए गए हैं। बस ब्लोपंथ की बिल्ड क्वालिटी ज्यादा प्रीमियम लगती है और उसमें आपको ज्यादा पावर का स्पीकर सिस्टम दिया गया है, जिससे उसका बेस थोड़ा पावरफुल है। इन दोनों टीवीज में वाइब्रेंट कलर्स मिलते हैं जो आईज के लिए विजुअल ट्रीट होते हैं। तो ये है इस ब्लोपन टीवी की रेटिंग्स। सेवेंथ रैंक पे आता है तोशिबा C350MP टीवी। एथ रैंक पे फिर हाइसेंस के टोनेडो सीरीज के टीवीज हैं और नाइन्थ रैंक पे आएगा हाइसेंस E7K टीवी। इनमें से आप जो भी टीवी लेंगे उसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी होगी और उसमें ऑडियो भी पावरफुल मिलेगी। इन सभी टीवीज का डार्क सीन परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा, जो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। TCL, MI और कुछ दूसरे ब्रांड के टीवीज इस काउंटडाउन के नाइन्थ रैंक तक नहीं आते हैं क्योंकि उनका डार्क सीन परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा नहीं है, जो नेटफ्लिक्स लवर्स को पसंद नहीं आएगा। अगर आप ज्यादातर सेट टॉप बॉक्स या नॉर्मल कंटेंट्स देखते हैं तो आपके लिए ये टीवीज भी अच्छे रहेंगे। MI मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ क्योंकि उनके पैनल्स जल्दी खराब होने की रिपोर्ट्स मेरे पास बहुत आती रहती हैं और उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस भी यहाँ मेंशन सभी टीवी से इंफीरियर है। हाँ, नॉर्मल कंटेंट्स के लिए आप TCL के टीवीज ले सकते हैं। नॉर्मल कंटेंट देखने के लिए TCL की टीवीज क्यूलेट कैटेगरी में एक अच्छा ऑप्शन है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली टीवी की वीडियो में, जो होगी हायर ब्रांड्स के 55 इंचेस टीवीज का काउंटडाउन, जिसमें मैं आपको बजट और हायर ब्रांड्स के टीवीज की एक मिक्स रैंकिंग भी दूंगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।